हेलो हेलो हाय गाइस क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग तो कैसे हैं आप लोग हाँ वीरो हाय अभिजीत हाय शोभित हाय हरीश हवर यू गाइस कैसे हैं सब बढ़िया हेलो शोभित मेरी आवाज़ आ रही है एकदम क्लियर है आवाज़ क्लियर है मेरी एकदम यस आई थिंक इट्स क्लियर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो यार जितने 2023 ट्वेंटी थ्री एक्सपीरियंस है गाइस जितने 2023 हेलो यश क्या हाल चाल भाई कैसा है बहुत बढ़िया सबसे पहले जो जो सेशन में आते जा रहे हैं लाइक ज़रूर दबाएं तो आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट सेशन रखने वाले हैं अपन कि कई बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे भी कमेंट आ रहे थे कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि आ, सर आप ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दो एक साल में फिजिक्स को कैसे टैकल करें मेन से ले एडवांस तक राइट तो सारे पॉइंट्स हाय आशुतोष हाय ललित हाय आर्यन क्या हालचाल भाई ठीक है तो कई बच्चे पूछ रहे थे मैं देख रहा था टेलीग्राम पे भी मैसेज एक पूरा वीडियो ही बता दिया जाए कि आपको कैसे कैसे अप्रोच करना है, right? Hi, चिराग. Hello, भाई. ठीक है। मतलब कुल जो एट मंथ यहाँ पे वन ईयर स्ट्रेटेजी में लिख रहा हूँ मतलब वो इस साल की है मतलब बताऊंगा कई कई बार क्या होता है ना फिजिक्स में बहुत सूडो फीलिंग आती है सूडो इज समिंग जो एग्जिस्ट करता नहीं है पर लगता है अपने को एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है अपेरेंट यू कैन से क्या होता है आ, फिजिक्स के अंदर कई बच्चों को सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा सब लोग बताएंगे किस किस के साथ ये दुविधा आती है गुड इवनिंग हरीश जो जो भाई थे सेशन में आते जा रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें बिल्कुल अभिजीत आठ मंथ की स्ट्रेटेजी आप समझ लीजिए इसको ठीक है ये बेसिकली स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डील करेंगे आप थ्रू आउट फिजिक्स को ठीक है पर मेक श्योर करें आप जितने भी पॉइंट्स में बताऊं इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने और इन पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करें बेटा ओके okay. अब और कैसे स्टार्ट करो ट्वेल्थ एनी आइडिया बिल्कुल प्रीतम उन सवालों पे भी आएंगे अपन बेटा चले तो आई थिंक सेशन स्टार्ट किया जाए ऑल राइट गाइस प्रथम मेरे साथ सर ओके हेलो सर चले 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 स्टार्ट करें छोटे चल छोटे स्टार्ट करते बेटा ना सीन क्या है सीन कुछ ऐसा है कि भाई कई स्टेप्स होते हैं फिजिक्स को सीखने के आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि क्लास में सर ने पढ़ा दिया तो आपसे बन जाएगा पर आप घर पे आके सवाल बनाते हो तो नहीं बनता है या फिर आपसे घर में तो सवाल बन जाता है लेकिन आपसे एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनता है या तो फिर आपको ना ही क्लास में बनता है ना ही घर में बनता है ना ही एग्ज़ाम में बनता है ये तीसरी कैटेगरी एकदम बूम बूम कैटेगरी ओके तो सबसे पहली कैटेगरी बता रहा हूँ क्या ना ही आपको क्लास में फिज़िक्स समझ में आती है नहीं आपको घर में बनता है सवाल नहीं आपको एग्जाम में दूसरी कैटेगरी क्लास में समझ में आ जाती है घर और एग्जाम में नहीं बनता है तीसरी कैटेगरी क्लास और घर में बन जाता है एग्जाम में नहीं बनता है तो सब लोग वन टू थ्री मुझे मैसेज डालेंगे सर मैं फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैं सेकेंड और तीसरे जो धुआधार स्टूडेंट्स हैं वो तीसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सब लोग सात्विक कर रहे हैं चर्चा बेटा बी ए पार्ट स्पैम नहीं कर बेटा ना सब लोग लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग धुआंधार वाले थर्ड अच्छा सेकेंड ओके आई वुड रिवाइंड मैंने क्या बोला सेकेंड कैटेगरी में हूं बिल्कुल सही है चलो ये सही है सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड 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 चलो फर्स्ट और सेकेंड वाले सीन ही है फर्स्ट सेकेंड अच्छा अच्छा ठीक है हाँ फर्स्ट वाला सीन पता ना क्या है फर्स्ट वाला मतलब समझ ही नहीं आता फिजिक्स प्राची केवी अच्छा ओके ओके सुरभजीत घोष ठीक है ना फर्स्ट कौन सा केस था बेटा तीनों में समझ में नहीं आ रहा है सेकंड कौन सा केस था छोटे कि क्लास में तो आ रहा है बाकी दोनों एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं तीसरा तीनों में सवाल नहीं बनते हैं नहीं नहीं तीसरा क्या था भाई है, है, है। जल्दी है। है? तो, जल्दी जल्द से स्टार्ट करते हैं जो लोग सेशन में आते जा रहे हैं मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अच्छा कई बच्चे को बैच का भी पूछ रहे थे मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा फिफ्थ अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है ग्लाडिएटर थ्री पॉइंट मैंने नीचे लिंक डाल दी है अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आप फर्स्ट ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स के अंदर आ सकते हैं और आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो नीचे आप लिंक को जरूर देखिएगा बैच के बारे में डिटेल्स में आगे बताऊंगा पहले अपन अभी कंटेंट पर फोकस करते हैं चलिए आइए ओके ओके चीतो फुल जोश चलो देखिए ध्यान से सबसे पहला पॉइंट आप कैसे अच्छे से करेंगे अगर आप इलेवंथ प्लस ट्वेल्थ दोनों एक साथ लेके जाने चाह रहे हैं सबसे पहले बात टूल्स आइडेंटिफिकेशन टूल्स आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए हर कहीं हर किसी चैप्टर हर किसी बीच से आप स्टार्ट नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे गड्ढा खोदना है ठीक है कहीं पे जाके गड्ढा खोदना है तो आप हाथ से तो खोदना स्टार्ट नहीं कर दोगे करोगे क्या बताओ हाथ से खोदना तो स्टार्ट नहीं कर दोगे तो गड्ढे खोदने के लिए अगर मैं आपको आ, वो दू फावड़ा दू कोई टूल दू कोई टूल दू तब आपका काम आसान हो जाएगा हां भाई ये मेरे को आसान हो गया भाई मेरे को टूल पता चल गया मुझे फावड़ा पता चल गया मैं फावड़े से आराम से गड्ढा खोद लूंगा और जितने टाइम में बोला जाएगा उतने टाइम में मैं गड्ढा खोद के सबको दिखा दूंगा लेकिन सिर्फ फावड़े देने से आपका काम नहीं हो जाएगा ना आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह भी तो पता होना चाहिए फावड़ा चलाते कैसे आपको पता ही नहीं है कि फावड़ा चलाते कैसे है आप अपने आप को ही चोटिल कर लोगे करेक्ट तो सी थिंग टूल्स आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं दैट इज कॉल्ड टूल्स जिनको आप बहुत अच्छे से कर लें किस किस को आप बहुत अच्छे से करें बेटा वेक्टर्स को बहुत अच्छे से करें डिफ्रेंशिएशन को बहुत अच्छे से करें इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से करें एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राफ्स को बहुत अच्छे से करें ये चार टॉपिक आपके टूल्स से बेटा पूरे फिजिक्स के ठीक है तो आपको एकदम अच्छी फिजिक्स करनी है मैं आपको सॉल्यूशन वो रास्ता बता रहा हूं जहां से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हो करेक्ट है हाँ बेटा मनीष बहुत शानदार मूवी है आर 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 प्रे ब्रेस योर सेल्फ राम चलो देखो पहले यहां ध्यान दो

ओके okay? क्योंकि हमारी गलती क्या होती है हम इनको नकार देते हैं हमको लगता है कि यार आगे आएगा तो देखेंगे यही मैटर क्लोज हो जाएगा मैटर क्या हो जाएगा छोटे क्लोज हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा पहला तो ये हो गया दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है मास्टर योर कंसेप्ट दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यू मस्ट नीड टू नो दिस पहला था टूल्स आइडेंटिफिकेशन उसके बाद मास्टर योर कंसेप्ट अब कंसेप्ट को कैसे मास्टर किया जाए ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को कैसे मास्टर किया जाए सर मुझे वेक्टर में प्रॉब्लम होती है यस अगर वेक्टर में प्रॉब्लम होती है बेटा देन यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर जितने अच्छे जगह से आप पढ़ सकते हो अच्छे रिसोर्सेज से पढ़िए अच्छे टीचर से पढ़िए अच्छे कोर्स से पढ़िए ताकि आप वेक्टर वेक्टर बहुत अच्छे समझ ना ये चारों इवन वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑन ग्राफ्स ऐसा बहुत ही ऐसा हार्डकोर टाइप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूं मैं मतलब आराम से मतलब थोड़ा बहुत जितना फिजिक्स में काम आता है ना थोड़ा बेसिक बेसिक आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए जितना फिजिक्स में काम आता है हाय ऐशोर कैसी हो बच्चे सर कल ग्लाडिएटर बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यस yes, बेटा फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट हो रही है बेटा ग्लाडिएटर थ्री पॉइंट की क्लासेस फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं तो हाँ तो जो लोग इंटरेस्टेड है मैंने नीचे फॉर्म दे दिया है बैच डिटेल में अभी आप आपको आगे बता दूंगा बेटा कई बच्चों की क्वेरी आ रही है इसलिए मैं सेशन ले भी रहा हूँ कहीं ना कहीं चलिए आइए देखेंगे ध्यान से मास्टर या कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ कंसेप्ट को सीखेंगे कैसे कंसेप्ट को सीखेंगे कैसे डबल ड्रॉप पे दो शब्द सर कोरोना बर्बाद कर दिया यार ये तो बहुत सैड है डबल ड्रॉप के लिए तो यार थोड़ा सा वो है लेकिन कुछ नहीं बेटा अगर आप डबल ड्रॉप ले रहे हो दूसरे ड्रॉप के लिए आप सोच रहे हो बेटा तो आप ये सोचिए कि आपको कितनी फाइट मारनी है आप अंदर से कितने विलिंग आप आप मतलब अपने आप में एक फाइटर है अगर आप डबल ड्रॉप के लिए सोच रहे हो डबल ड्रॉप ले रहे हैं बेटा तो आप अपने सवाल को कोई दिक्कत नहीं है छोटे बात यह नहीं है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा और वो कॉलेज क्या डिसाइड करेगा बात यह कि तुझे इस पॉइंट पर यह सोचा कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूँ और एक अच्छे कॉलेज में जाऊं राइट right? तो ये चीज तेरह तो आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेगी ये जो कॉलेज वाला गैप है ना बेटा जे आईआईटी और यू नो एनआईटी वाला ये वही चीज फिल फिलअप वर्ड है वो फिल कर देगी कहीं ना कहीं ठीक है तो मार रहा है फट पूरा मार मस्त से कॉलेज में जा चल छोटे आगे देखते हैं नाउ सर एक ईयर में आई आई बी में सी मिल जाएगा जीरो से स्टार्ट करके यार देखिए ना सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूं ध्यान से सुनो बेटा है ना ये कई बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा सोचते भी हैं है ना मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है बेटा ध्यान से सुनना मैं पहले तो आपको बताऊं जो टॉपर्स होते हैं राइट वो आईआईटी के अंदर सीट का सपना तो इनने एक बार देख लिया होता है फिर वो सपने को बार बार सोचते नहीं है ना दे जस्ट लिव इन द मोमेंट बेटा है ना तो आप लोग इस प्रोसेस में अगर हो ना बेटा मैं आपको सबसे बढ़िया एडवाइस अगर दे सकता हूं तो मैं वही दे सकता हूं बेटा आपका जो बचा हुआ एक साल है ना बेटा आप हमेशा ना मोमेंट के अंदर जीना है ना आगे और पीछे की चीजें मत सोचना मेरी क्या बर्बाद हो गया मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मत सोचना बेटा सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ यू इफ यूर डाउटिंग योर सेल्फ इफ यूर ड्रीमिंग अबाउट द थिंग्स एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट देन इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इट जी प्रिपरेशन याद रखना मेरी बात अगर आप दिन भर आई के वीडियो देखते रहते हो आई के बारे में सोचते रहते हो तो बेटा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं है ना अपने आप को वहां से हटाइए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाइए इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन क्योंकि होता क्या है ना मैं बताता हूं आपको होता क्या है आप इतना करते हो और उसके बाद जब एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आते हैं ना बेटा तो आपने जितने ड्रीम्स किए बनाए होते हैं ना आप उतनी तेजी से अपने ड्रीम को शैटर भी कर रहे होते हो क्यों क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम सिर्फ उस चीज को सोचने में लगा दिया आपने वो नहीं सोचा कि मंजिल के रास्ते में क्या अड़चने आने वाली है आपने हमेशा मंजिल को देखा कि मंजिल तो बहुत खूबसूरत है यार मंजिल खूबसूरत है मेरे भाई ऑब्वियसली है पर तुझे चलना पड़ेगा तभी तो मंजिल पे पहुंचेगा सोचने से थोड़ी ना पहुंच जाएंगे यार हम आंख बंद करके सोचेंगे कि यार बीच किनारे लेटे हुए बढ़िया हवा चल रही है तो क्या हम बीच किनारे लेटेंगे क्या नहीं ना वी नीड टू मूव थ्रू इट माई फ्रेंड है ना तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना यार बच्चों है ना या या शौर 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 बिल्कुल बताऊंगा कुछ टाइम में भूल जाता हूँ सारे 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 पॉइंट आएंगे बिल्कुल बेटा ना डोंट वरी राइट ठीक है ना तो आप लोग सब लोग सब लोग लो, ची तो मेरी बात सुनो सब लोग मेरी बात सुने सब लोग ध्यान से सुनना मेरे बात मेरे भाई आपने एक बार डिसाइड कर लिया है ना आपका फोकस आपको क्लियर है राइट अब आपने डेली अपने गोल्स बनाओ डेली गोल्स पे काम करो यार ये बार बार का रट्टा नहीं होना चाहिए दिमाग में समझ रहे मेरे भाई ये बार बार का रट्टा नहीं होना नहीं तो लोग पता है क्या है लोगों लोगों से आप अपने ड्रीम से डिस्कस करोगे ना लोगों को पीपल डिस्कस करोगे ना वो एक टाइम के बाद आपको ही पुश करेंगे अभी तूने क्या ही कर लिया तू तो बोलता था मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा अरे लेट योर मार्क्स स्पीक लेट योर सक्सेस रोर नॉट यू माई फ्रेंड समझ रहा हूं ना लेट योर सक्सेस रोर यार देख तू दुनिया में सबसे झूठ बोल सकता है खुद से नहीं याद रखना इन द डे यू स्टार्ट लाइन टू योर सेल्फ ना देट इज द डे वेन यू स्टार्ट डिग्रेडिंग इन लाइफ माई फ्रेंड नेवर लाई टू योर सेल्फ बी इन द मोमेंट प्रेजेंट में जियो आपको हमेशा सोचना है ना अगले दो घंटे को सोचो कि मैं अगले दो घंटे में क्या करूंगा खत्म टोटल सॉर्टेड है भाई सॉर्टेड है यार मुझे ये भी करना है मुझे ये भी पढ़ना है मुझे ये भी पढ़ना है करोगे सब लोग बूम बूम लिखेंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में बूम बूम लिखेंगे बोला यस सर बूम बूम एवरीवन सब लोग बूम बूम जल्दी से चलिए आगे तरफ बढ़ते चीतो नाउ आई वॉच एंड वॉच जे रिलेटेड वीडियो इज इट गुड सर आई वॉच एंड वॉच वी आर नॉट योअर फ्रेंड सर नहीं यार कुछ आकर क्यों नहीं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है यू आर माई फ्रेंड यार बेटा एनी टाइम एनी टाइम माई फ्रेंड ओके वेरी गुड चलो शाहबाश यही जोश चाहिए यही पावर चाहिए है ना और दोस्तों यार आप लोग आप लोग ना आप आ, टेलीग्राम का एक ग्रुप भी बनाया फ्री गाइडेंस का आप लोग वहाँ भी आके ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है थेक्षा? उस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है थेक्षा? ना ऐसा कोई नहीं है ना आप ये मत सोचिए कभी थोड़ा सा रहता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा रहता है लेकिन एक आ, अच्छा टीचर वही हो सकता है जो आपको ऐसा दोस्त सलाह दे सकता है एक अच्छा दोस्त है ना ऐसा वाला दोस्त नहीं एक अच्छा दोस्त जैसा आपको सलाह दे सकता है ना तो बिल्कुल वही एक अच्छा टीचर होता है ठीक है एंड वी ए टी स्टार्ट ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर्स ओके चलिए सर वॉइस नहीं आ रही है अभी आ रही है बेटा आवाज ओके okay, यश बिल्कुल बिल्कुल बेटा पॉइंट्स नोटेड बेटा डोंट वरी चलिए आइए आगे की तरफ चलते हैं सो दैट वाज मास्टर योर कंसेप्ट कंसेप्ट को कैसे मास्टर करें ना अगला प्रश्न ये आता है तो देखिए ध्यान से ऑलवेज बिलीव ऑन स्लो रीडिंग ठीक है ना डोंट गो वेरी फास्ट है ना एकदम तेजी से नहीं जाना है ना समझा रहे हो सर समझा रहे ना रिलैक्स स्टेट में आराम से समझिए राइट right? और नान सुनना। एक बार आप समझ गए हो तो उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको आप अपने दिमाग में मत रखिए मेक श्योर करें जो क्लास के बाद डाउट आता है वो तुरंत सर से क्लियर करें क्योंकि एक बार आपने वो डाउट को अप कर दिया आप कंसेप्चुअली वीक हो गए उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कैसे करना है मास्टर को आपने कंसेप्ट सीखा या फिर कहीं से पढ़ा और उसके अंदर के आने वाले डाउट को ध्यान सुनना उसके अंदर के आने वाले डाउट को आप सडन डिस्कस करें तुरंत डिस्कस करें सर ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा क्योंकि ये वो डाउट है जो बहुत ही जेनरिक है है ना ये हर बार पढ़ोगे तो ये हर बार वही डाउट आएगा देन यू हैव टू सेटल डाउन दिस डाउट है ना जो अप हो रहा है ना बार बार डाउट आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है ना आपको ये चीज सेटल डाउन करनी पड़ेगी ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा मास्टर योर कंसेप्ट करना पड़ेगा ठीक है ना थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैसे कंसेप्ट को मास्टर करना है मैंने आपको रीजन बता दिया है देयर मस्ट बी अ सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन क्लियर योर डाउट इंस्टेंटली वैन यू लर्न द कंसेप्ट क्लियर है क्या जब भी आप कंसेप्ट सीखते हो उसके अंदर कोई डाउट आता है तो सबसे पहले उस डाउट को क्ल आउट करें ऑलराइट गाइस चलिए आई तरफ चलते हैं थर्ड पॉइंट प्रैक्टिस अब देखिए ध्यान से ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए तो आप क्या करिए ध्यान से सुनिए अब प्रैक्टिस का भी एक तरीका है ठीक है प्रैक्टिस का भी एक तरीका है प्रैक्टिस हर कुछ नहीं करनी है हर जहां से मिला मटेरियल वहीं से गए गूगल पे कोई टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पे उसका देखे वो सॉल्व नहीं करना है बाउंड प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बताता हूं इसके इसके होते है कुछ। कैसे होते हैं हैं कुछ कैसे ध्यान से देखना ध्यान से देखना बेटा क्या होता है हमारा जो माइंड होता है है ना हमारा माइंड किसी चीज को तब तक कंप्लीट नहीं बोलता है जब तक हम उस कंप्लीट की बाउंड्री डिसाइड ना करें फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल लो आपने कंप्लीट की कोई बाउंड्री डिसाइड की ही नहीं है आप कोई चैप्टर पढ़े और आप हर कहीं हर कहीं से सवाल लगा लगा रहे हो जब आप अगले चैप्टर पे चले जाओगे बेटा तब भी तो आपने कंप्लीट की बाउंड्री डिफाइन की नहीं थी तो आपको अंदर से फील ही नहीं आएगी मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है सर लग ही नहीं रहा सर ये किया सर इतना करता हूं फिर भी नहीं लगता तो भाई आप एक काम करिए आप कंटेंट डिसाइड कर लो कि भाई मैं ये का ये डीपीपी बनाऊंगा उसके बाद में पी वाई क्यूज बनाऊंगा और डिसाइड तो कर लिया पहले ही मतलब क्या हुआ अब आपके दिमाग में सिग्नल गया ये करते साथ ही भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये नहीं किया तो भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है नाउ द प्रैक्टिस थिंग मस्ट बी वेरी 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 एडवांस अब ये प्रैक्टिस के अंदर जो सीन है ना बेटा इसको आप बहुत अच्छे समझिए अगर आप कायदे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तो आपके कंसेप्ट भले भी कितने मास्टर हो क्यों क्योंकि कंसेप्ट का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रैक्टिस में ही हो रहा है कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट और शार्प नहीं होंगे आप और एक्चुअल कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे विदाउट प्रैक्टिस और कई कई बार कंसेप्ट लिंक होते हैं फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स तो विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते हो तो मेक श्योर sure करें टू एटलीस्ट सॉल्व थर्टी अ डे यहां से स्टार्ट करें बाकी आपकी श्रद्धा श्रद्धा अनुसार पच्चीस तीस सवाल से स्टार्ट करें मेरे भाई हां भाई क्या भाई शहीद हाउ टू कवर इलेवन बैकलॉग हां हाँ, रिप्लाई कर रहे है बेटा दो मिनट रुक जाओ ये इसको थोड़ा सा वो कर ले अपन ठीक है अगला आता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट एवॉइड रिपीटिशन कई कई बार हम एक ही प्रकार के सवाल करने लगते हैं लाइन से वही वही कर रहे हैं 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 अवॉइड रिपीटिशन भाई मुझे पता है भाई दस और दस बीस होता है है ना मैं बार बार उसी टाइप का नहीं करूंगा एक बार आप बताओ दस प्लस चार कितना होता है दस प्लस दस बीस तो सीख गए हो आप बताइए टेन प्लस फोर कितना होता है नहीं छोटे अवॉइड रिपीटिशन है ना तो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करिए करेक्ट है कि नहीं है अगर आपने एक्सरसाइज वन की प्रॉब्लम लगा ली है तो आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज टू की भी प्रॉब्लम लगाएं और कुछ एक्सरसाइज थ्री की भी प्रॉब्लम लगाएं ठीक है तो जब आपके क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन आएगा जब आप रिपीटेशन को अवॉइड करोगे तो आप एक साथ मल्टी कंसेप्ट को एक ही प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कोशिश कर पाएंगे तब वहां से वो स्ट्रेंथ आती है आप सौ एक जैसे प्रॉब्लम करो और आप पांच एक जैसे प्रॉब्लम करो ज्यादा इफेक्टिव पांच है क्यों क्योंकि आप और 95 प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम अलग कंसेप्ट कर सकते हो डिड यू गाइस गेट इट तो अवॉइड रिपीटेशन चारों पॉइंट लिख ले ध्यान से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच कम्स सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसको सबसे ध्यान से देखना मेक शॉर्ट नोट्स सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा इसको दैट टू लेक्चर वाइज आई वुड रिकमेंड एवरी वन आई वुड रिकमेंड एवरी वन इस चीज को बेटा आप बहुत अच्छे से फॉलो करें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिफ्थ वन कई बच्चे गलती करते हैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते भी हैं तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद बनाते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे बेटा तो चैप्टर के दौरान सर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हों जो हो सकता है सर ने बोले हो लिखे ना हो बोर्ड्स पे, वो आपको सिर्फ उसी दिन याद रहने वाला है और अगले दिन याद नहीं होने वाला है तो आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए आपने आज क्लास करी क्लास में आपको मान लो वर्क पावर एनर्जी के बेसिक्स पढ़ाए गए और जैसे ही आपने वो बेसिक्स पढ़े आप घर पे आके तुरंत उसको एक पेज में समराइज करके लिख लें अलग से कॉपी बनाए इसके शॉर्ट नोट्स के तुरंत इससे होगा क्या आपके उस दिन के लेक्चर से रिवाइज हो गए आपने बहुत तरीके से उसको रिवाइज भी कर लिया और ये शॉर्ट नोट्स भयंकर इफेक्टिव होंगे क्यों क्योंकि इस शॉर्ट नोट के अंदर आप वो चीज भी लिख रहे हो जो आपको लगता है क्या कि कितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के अंदर से कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट भी आप लिख सकते हो याद रहे शॉर्ट नोट्स में प्रॉब्लम नहीं लिखना है शॉर्ट नोट्स में सिर्फ कंसेप्ट लिखना है प्रॉब्लम में अगर कोई कंसेप्ट सीखते हो तो आपको जरूर मेंटेन करना है डिड यू गाइज गेट इट और नॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वाइज क्योंकि होगा क्या एक बार आपका शॉर्ट नोट बन गया और उसके बाद अगर आप सवाल करना स्टार्ट करोगे तो याद रखना आपके पास एक ऑर्डर है ऑर्डर क्या है सबसे पहले शॉर्ट नोट्स का ऑर्डर है दूसरा है क्लास नोट्स का ऑर्डर तो अगर आपके पास बहुत कम समय में है तो कभी भी अगर समय कम हो तो हमेशा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके सवाल बनाना स्टार्ट करें हमेशा हैबिट डाल लो भाई कभी भी किसी चैप्टर का सवाल मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? लेक्चर वाइज बनाना है जो भी सर ने आज लेक्चर में कराया है बेटा उसको आप कोशिश करें कि एक पेज के अंदर एक पेज का मतलब आगे पीछे नहीं सिर्फ एक पेज ठीक है पन्ना नहीं पेज एक पेज के अंदर पूरी चीजें लिख लें डिड यू गाइज गेट इट अच्छे से है ना कोशिश करें कि एक पन्ने के अंदर पूरी चीज लिख ले एक पेज के अंदर ठीक है एक बार लिख लोगे ना बेटा तो आपको देखना अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आपको पहले शॉर्ट नोट बनाए सवाल लगाने बैठ गए दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी गाइस अच्छा आगे चलते रेलेवेंट मटेरियल बेटा

रेलवेंट मटेरियल तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बता दू रेलिवेंट मटेरियल क्या है सबसे पहले आपके पास जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो ऑब्वियसली उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन दोनों मेन्स प्लस एडवांस उसके बाद ऑब्वियसली एच सी वी वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू उसके बाद कई लोग बोलते हैं इरोडोफ तो मैं आपको इरोडोफ लिख तो देता हूं मैं लेकिन पूरी इरोडोफ नहीं करनी इतना टाइम भी नहीं आपके पास आपको रिसर्च नहीं करनी है आपको एक रैंक मारनी है 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 ना रिसर्च नहीं करनी छोटे आपको तो आपको क्या करना है आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है मैं ये मिनिमम दो ऑर्डर रखूंगा ये दो तो करना ही करना है चैप्टर को खत्म होने के लिए मेरे पास अगर टाइम बचता है तब मैं जाऊंगा एच सी वी वॉल्यूम वन एंड टू पे एंड देन इरोडोफ सेलेक्ट प्रॉब्लम्स ओके गाइस लव यू टू रोहन रोहन चलिए यहां तक की बात हो गई ये हो गया मटेरियल का भी डिस्कशन अब आता है आखिरी नॉस्ट नॉट द लीस्ट सेवेंथ मॉक टेस्ट दिस इज द लास्ट वन मॉक टेस्ट देने की बात नहीं कर रहा वो तो आप दोगे ही दोगे प्रोसेस के अंतराल एनालाइज करना है छोटे मॉक टेस्ट को मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं उनको लगता है क्या लगता है ध्यान सुनना मैं दो बहुत चीज दिखा रहा हूं उनको लगता है मुझे सवाल नहीं बन रहा है है ना तो वो डीमोटिवेट हो जाते फिर बनाना ही बंद कर देते हैं अरे हटाओ यार ये गलती नहीं करनी है छोटे ये सवाल नहीं बन रहे हैं तो उनको बनाने की कोशिश करिए पूछिए तभी आप सीखेंगे टीचर आपको क्लास में सवाल चार पांच दस पांच सात आठ वैरायटी का करा सकते हैं टीचर हर किताब का हर एक सवाल नहीं करा सकता है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डेवलप दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फ्रॉम योर सेल्फ

आप देखिए कि यार ये सवाल मुझसे इसलिए नहीं बना क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने किया नहीं है आप उसको तुरंत सॉल्व करिए उसको तुरंत अपनी नोटबुक में उतारिए हाँ भाई ये सवाल है ओके ऑब्वियसली बेटा एनी टाइम ठीक है ना सी ध्यान सुनना ये तो बात हो गई मॉक टेस्ट की ठीक है ये हो गए सातों पॉइंट अब अब क्यू एंड ए सेशन लूंगा सबसे पहले मैं आपको और बैचेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं ध्यान से सुन लो बेटा कई बच्चों के मैसेजेस आए कॉल आए ध्यान सुन लो बैच फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ठीक है फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बैच ग्लैडिएटर थ्री पॉइंट ग्लैडिएटर थ्री पॉइंट अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बेटा एंड इसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक इलेवेंथ प्लस ट्वेल्थ दोनों पढ़ाई जाएगी कंप्लीशन डेट अराउंड डिसंबर होगी राइट और इट विल बी अवेलेबल इन टू बैचेस दैट इज स्टार एंड स्टैंडर्ड आपको इसकी जानकारी जो है इसकी जानकारी जो है वो आपको टीम को हमारे कॉल कर लीजिएगा टीम से आपको मिल जाएगी है ना फीस की जानकारी आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं याद रहे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड तो भाई मेक श्योर sure करें जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और जो ए टीपी स्टार के साथ जुड़ना चाहते हैं है ना इसके अंदर क्या करना है आपको जो ए टीपी स्टार के साथ जुड़ना चाहते हैं नीचे मैं लिंक अटैच करवा दूंगा और आप उस लिंक पे जाके क्लिक करें एक स्कॉलरशिप फॉर्म होगा तो जो भी अवेलेबल फीस होगी बेटा उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा फॉर टॉप ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ठीक है सीट्स आर विलिंग फिलिंग वेरी फास्ट ठीक है तो बैच लॉन्च होने से पहले कोशिश करें जल्द से जल्द जुड़ जाए अब आते हैं अपन पी वाई क्यूज पे पी वाई क्यूज बोल रहे हैं सॉरी क्यू uh, एन ए पे माई एग्जाम इज ऑन सेकेंड अप्रैल अच्छा कई बच्चों कंसर्न है कि मेरे एग्जाम है मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा ध्यान सुनिएगा आप ये बैच ले सकते हैं राइट right? कई बच्चों का एग्जाम सर मेरा एग्जाम है इस तारीख को मेरा एग्जाम है इस आप बैच में तो करा उसके बाद आपको हम तुरंत एक दे आप करके ऑफलाइन पढ़ सके ये बैच दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है बेटा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दिस बैच इज फॉर बोथ स्टूडेंट्स ऑलराइट गाइस तो ध्यान रख लेना ठीक है बेटा ठीक है बेटा तो आप ना कॉल लगा लेना बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना है ना बाकी कंसर्न अपन देख लेंगे और बताइए अब लेते हैं अपन सर मैं क्लास अच्छे से वॉच कर रहा था हूँ रुक तो जाओ यार मैं फोन में देखता हूँ चैट होल्ड ऑन गाइस चाय पी लो गाइस चलो छोटे स्टार्ट करते हैं सर ग्लैडिएटर वन में हर हफ्ते टेस्ट होने चाहिए और चैप्टर वाइज टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट तो देखिए अच्छा अपने पास ऐप पर भी अवेलेबल है पर हर हफ्ते नहीं पर अल्टरनेट संडेज तो होंगे यार बेटा हर हफ्ते क्योंकि सात दिन में ना ज्यादा कंटेंट मतलब यू नो ज़्यादा कंटेंट टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं कई बार कोई चैप्टर के अंदर चैप्टर ही कंप्लीट ना हो तो पूछना थोड़ा सा अजीब लगता है ठीक है पर वो देख लेंगे अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो यस सर इस थियरी एंड कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट मोर देन इंपॉर्टेंट बेटा दिस इज द लाइफ लाइन फॉर फिजिक्स याद रखना बेटा ना थियरी एंड कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये कोई अगर आपको ज्ञान दे कि नहीं भाई सिर्फ सवाल इंपॉर्टेंट है तो गलत है बेटा आपको थियोरी आनी चाहिए आपको कंसेप्चुअल चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए तभी तो लगा पाओगे आप ठीक है एच लगाना होगा सर बिल्कुल अंकित तो अगर पॉसिबल हो मैं आपको एक और बता देता हूं बेटा एच के लिए आप क्या कर सकते हैं ऑड नंबर की जो प्रॉब्लम्स है अगर पूरी नहीं लगाना चाहते तो आप ऑड नंबर की प्रॉब्लम जरूर लगा लें और इनफैक्ट अगर आपने बेसिक प्रॉब्लम कर रखी है तो एच के लास्ट जो फिफ्टी परसेंट प्रॉब्लम्स हैं आप उनको जरूर लगाए ओके सर क्लास इलेवंथ का फिजिक्स का चैप्टर ट्वेल्थ के साथ कैसे करें यार ये देखिए बहुत ये कॉमन आ, सवाल आता है है ना सर इलेवन के साथ ट्वेल्थ कैसे प्रिपेयर करें तो देखिए पहले तो नहीं हम क्या करते हैं, पहले से एक साथ करते हैं फिर इंडिपेंडेंट चैप्टर उठाते हैं तो आपको भी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ऐसी रखनी है क्या करना है आपको ध्यान सुनना अगर आप ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं तो देखो बेटा जब तक अलग से टाइम नहीं दोगे आप अपनी डेली बेसिस पर ना डेली टाइम शेड्यूल में ढाई घंटा दो से तीन या ढाई घंटा जितना आपको कन्वीनियंट लगता है आप एक्सक्लूसिवली इलेवंथ के लिए रख लें एक्सक्लूसिवली इलेवंथ के लिए रख लें उसमें आप अपने नोट्स पढ़ें टीचर के साथ डाउट कंसर करें और इसके पैरली देखो अगर आप डेली टाइम नहीं दोगे बेटा इट विल पाइल अप लाइक एनीथिंग और आपको ट्वेल्थ में भी पढ़ने का मन नहीं करेगा ठीक है क्या समझ में आया क्या समझ में आया समझ में ये आया समझ में ये आया कि सर मुझे टाइम स्पेसिफिकली निकालना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है. थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा छोटे रुक जाओ रुक जाओ जाओ आगे चलते आगे चलते आगे चलते हाँ सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता प्रतीक ट्राई टू गो फॉर सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स बेटा कई कई बार कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि हम सेल्फ ड्रिवन नहीं होते हैं हम और सोर्सेस से ड्रिवन होते हैं हमको हमारे अंदर का रक्तचाप तब बढ़ता है हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो तब आता है जब कोई और पोक करता है हमारे मोटिवेशन को सो स्टार्ट अवॉइडिंग दैट और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेटा कंसिस्टेंसी लाने के लिए है ना ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी राइट जब हमने आई के लिए ड्रीम देखा था जब हमने प्रिपरेशन के लिए ड्रीम देखा था तो आप हमेशा ना ड्रीम याद करिए कि भाई मैंने क्यों शुरू किया था आपको तुरंत नॉक मिलेगा आप तुरंत सेल्फ मोटिवेट होंगे तुरंत सेल्फ इग्नाइट होंगे एंड देन कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगी चलिए सर मैं क्लास अच्छे से वॉच करता हूं लेकिन कुछ टाइम मैं भूल जाता हूं और क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता राइट दिस इज अ वेरी जेनविन प्रॉब्लम वेरी गुड अभिजीत शाबाश बेटा वेरी जेनविन प्रॉब्लम बेटा देखिए कितनी अच्छी प्रॉब्लम पूछा है इसीलिए सेशन में मज़ा आता है देखिए क्या बोला इसने ये कई बच्चों की प्रॉब्लम होगी आई आई नो आई नो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होगी सर मैं क्लास अच्छे से वॉच करता हूँ लेकिन कुछ टाइम मैं भूल जाता हूँ और क्वेश्चन में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ तो आप एक काम करिए बेटा इसके लिए सिर्फ एक ही गोल्डन मंत्रा है क्या मंत्रा है ध्यान से सुनिएगा जब भी जो आ, वीक एंड होता है या फिर ऐसा ऐसा देखिए जब भी आप आगे के चैप्टर बढ़ते जाएंगे देखिए शॉर्ट नोट जो मैंने बताया था लेक्चर वाइज ये गेम वही करेगा यही गेम है छोटे यही गेम है पूरा का पूरा देख इससे क्या होगा इससे यह होगा क्या पास शॉर्ट नोट्स बने रहेंगे खटाक से ना तो उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करता रहेगा आप जिस चैप्टर पे हो आप मेक श्योर sure करें कि वीक में आप एक दिन ऐसा निकालें या फिर दो चार पांच घंटे ऐसे निकालें जिसमें आप क्या करें उन पांच घंटे में आप जिस चैप्टर पे हो उसके पिछले के पूरे के पूरे, पूरे चैप्टर मैं इस लेक्चर शॉर्ट नोट से रिवाइज करूं राइट तो कोई भी टच पॉइंट जो होने चाहिए वो छूटेंगे नहीं और आपका टच पॉइंट वही रहने वाला है दैट इज लेक्चर शॉर्ट नोट्स ओके गाइस ओके गाइस चलिए आगे तो चलते हैं ऑर्गेनिकमिस्ट्री हाँ ऑब्वियसली द लेजेंडरी वीक है सर विनीत कतरी सर सर मैं क्लास अच्छे से वॉच करता हूँ ये हो गया ये हो गया सर आई एम जे ट्वेंटी फाइव एक्सपेरेंट आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई है डन फिजिक्स एंड मैथ टिल मेन्स लेवल अरे बाप रे यश राज भाई तू चिल मार यार अभी छोटे लोड नहीं ले अभी जा बढ़िया कंचे वंचे खेल है ना ठीक है बेटा शाबाश ट्वेंटी फाइव ना आराम से चिल रहा हो दिक्कत नहीं चले सर बेस्ट बुक एन सी आर टी फिजिक्स बेस्ट सर बेस्ट बुक विथ एन सी आर फिज़िक्स बेस्ट बुक का तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हॉलीडे आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से डीप नॉलेज चाहिए किसी चीज़ की तो ठीक है सर क्या नहीं एक कवर एलेवन फिजिक्स इन वन मंथ नो बेटा इट विल टेक टाइम एटलीस्ट टू मंथ्स लगेंगे अच्छे से करना है तो वैसे तो तू पंद्रह दिन में भी कर सकता है डेढ़ से दो महीना लगेगा बेटा मुबशीर का दोस्त अगर मैं उसके साथ आऊँगा तो फीस कम हो जाएगा Uh, नहीं बेटा फीस का तो ऐसा है देखो आप कॉल कर लीजिएगा जो भी होगा ना अपन डिस्कस कर लेंगे ठीक है सो डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी उदय आई थिंक उदय नाम है तेरा थैंक यू सर थैंक यू अभिजीत स्टडी विदाउट सर बेस्ट बुक विद एन टी फिजिक्स बता दिए बेटा मैंने आपको है ना आप एच भी ले लीजिए ध्यान से uh, और क्या क्या क्या, क्या सर एलेवेंथ के दस दस चैप्टर्स बचे हुए हैं पूरे पी में अच्छा तो क्या करूँ बेटा पढ़ना स्टार्ट कर स्टार्ट डूंग द थिंग्स राइट नाउ डोंट ओवर थिंक ओवर थिंक करेगा तो कभी कर नहीं पाएगा है ना सर बेस्ट बुक विद एन सी आर टी फिजिक्स ये बार रिपीट 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 रिपीट, 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 रिपीट और बताइए और बताइए सर आप पढ़ाएंगे कि नहीं बिल्कुल यार प्रतीक आई विल बी योर फिजिक्स टीचर भाई सर इस फिजिक्स एन सी आर टी इम्पोर्टेंट फॉर थी यस सो सो यार बेटा यू कैन स्किप इट आउट है ना उसको स्किप कर सकते हो फिजिक्स के लिए ठीक है सो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी ओके okay. शेख मोहब्बत कोई बात नहीं बेटा यश काबरा हनुमान चालीसा बोलो यार छोटे यार सुनता हूँ तो याद आता है ऐसे तो नहीं बोल सकता छोटे और बताओ क्वेश्चन कहाँ से करें जे फ्रॉम पटना क्वेश्चन कहाँ से करें क्वेश्चन बेटा जो आपके कोचिंग का मटेरियल है लिख दिया बेटा ऑर्डर लिख लिया ये देखो वीडियोस देख लेना बेटा पूरा मटेरियल पी वाई क्यू एच सी वी वॉल्यूम सेलेक्ट ठीक है सर एच पढ़ने का सही तरीका बता दीजिए बेटा एच पढ़ने के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ऑब्वियसली कंसेप्ट थोड़े बहुत अच्छे लगे एक बार पढ़ सकते हैं आप लेकिन सवाल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको हमेशा क्या, क्या करना है बेटा और बकायदा ऑब्जेक्टिव से लेके पूरी एक्सरसाइज जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लगाने की कोशिश करें थियोरी के लिए तो बेटा हैलीडे एनी टाइम है एनी टाइम है, एनी टाइम अनुराग एनी टाइम सर एच पढ़ने का सही तरीका बता दीजिए बता दिया बेटा बता दिया सर कोचिंग से पढ़ना चाहिए या यूट्यूब से बेटा एक प्रॉपर डिसिप्लिन बैच लेना पड़ेगा मतलब वो ज्यादा बेटर रहता है ना यार ऑब्वियसली आपका गोल अगर निर्धारित है तो आपको एक प्रॉपर बैच लेना चाहिए ना यूट्यूब तो क्या है सपोर्ट सिस्टम के लिए अच्छा है ना कभी कभार किसी चीज में अटक रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं ठीक है यस बेटा अलॉन्ग विथ कोचिंग मटेरियल ना उदय देखना मैंने लिख दिया बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन मस्ट ऑल्सो बी डन आ, मास के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं प्रतीक करने पड़ेंगे यार बेटा चैप्टर को और अच्छे से करें है ना चलिए तो आई थिंक आज का सेक्शन यहीं तक रखते हैं तो वापस से बता दूं यार भाई बता दिया मैंने ऑलरेडी फिफ्थ अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है ग्लैडिटर थ्री पॉइंट टो बेसिक्स एडवांस इलेवंथ ट्वेल्थ दोनों पढ़ाई जाएगी है ना कोर्स की टेंटेटिव टाइमिंग जो है वो दिसंबर के एंड तक हो जाएगा आपका और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं राइट एवरी तो नीचे लिंक दिया गया है मेरा नंबर भी है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं डिटेल्स के लिए पहले मैसेज करें कॉल ना करें दैट वुड बी मोर गुड ठीक है रात में दस बजे के बाद तो बिल्कुल ना कॉल करें ठीक है डैम सॉरी सो द नंबर इज इस एट सेवन सेवन जीरो फोर ज़ीरो एट टू थ्री नाइन कैन एक्चुअली कॉल ऑन दिस नंबर गाइस ओके तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा सो so, आज का सेशन यही लगता है चीतो है ना सो वेरी गुड प्रतीक ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने के लिए क्लास इलेवन का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए नहीं बेटा इंडिपेंडेंट है पर आपको थोड़ा बहुत एस के कंसेप्ट आने चाहिए और मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना चाहिए राइट चलिए सो so, आज का सेशन यही तक लगते चीते ये बैच की डिटेल्स है बैच के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़िए है ना और अंत में मैं आपको बस यही बोलूंगा बेटा बी स्माइलिंग बी हैप्पी बी ह्यूमन फर्स्ट ओके देखिए ये सब तो रास्ता है ये सब तो प्रोसेस है ये तो सब मंजिल पे जाने का एक वो है राइट नो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू बी इन द गेम है ना डेली हर दिन आपको गेम में रहना है छोटे एंड वन डे यू विल श्योरली विन ठीक है सो माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू गाइज ओके चलिए बाय बाय लव यू एंड टेक केयर